वेलकम बैक टू माय चैनल सेंस फ्रेंड। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको रिव्यू दूंगा दो राउटर्स का, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। तो पहला है जैसे कि टेंडा AC1200 MU MIMO डुअल बैंड गीगाबिट वाईफाई राउटर, और दूसरा है हमारे पास साइरोटेक GEPON एंड ONU सब्सक्राइबर एंड इक्विपमेंट। तो ये डायरेक्ट हम अगर हमारे पास फाइबर का केबल है घर पे तो हम डायरेक्ट इस राउटर को यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम शुरू कर लेते हैं इस राउटर से ही, GEPON ONU राउटर से। तो इसमें एक वारंटी कार्ड है जैसे कि 1 साल की वारंटी मिल जाएगी इसमें आपको, और ये ईथरनेट केबल लैन केबल है, और ये इसका एडाप्टर। तो ये है इसका राउटर अनबॉक्स करने के बाद। इसमें 4 एंटीनाज लगे हैं। इसके एंटीनाज आपको पता है कि इसके रेंज को बढ़ाने के लिए होता है, रेंज काफ़ी आगे तक जाए। तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं इसके फीचर्स। ये ऑन ऑफ का बटन हो गया, DC 12 वोल्ट इसमें, ये पावर अडाप्टर के लिए है, और ये हो गए दो, और ये पोर्ट है फ़ोन के लिए, अगर आप लैंडलाइन लगवाते हैं इसमें तो इसमें कनेक्ट कर सकते हैं आप। और ये है PON पोर्ट, इससे अगर आपके घर में फ़ाइबर लगा हुआ है, जियो एयरटेल या कोई भी ब्रांड का फ़ाइबर लगा हुआ है, कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का लगा हुआ है, फ़ाइबर फैसिलिटी है उसमें, तो यहाँ पे सिर्फ आपको पोर्ट लगाना है और फाइबर चलना शुरू हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, सीधा इसमें आप फाइबर कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ फाइबर के लिए है, इसमें फ़ाइबर, इस राउटर में सिर्फ और सिर्फ फाइबर यूज़ हो सकता है, उसके अलावा कोई नहीं। तो यहाँ पे आप ये इसके थोड़े बहुत फीचर्स देख रहे हैं, ये पावर का है, अगर पावर ऑन होगा तो यहाँ पे लाइट ऑन हो जाएगी। ये PON है, PON का मतलब हुआ पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क। ये एक फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क है जिसे यूटिलाइज किया जाता है पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी पे, जिससे कि डेटा डिलीवर होता है सिंगल ट्रांसमिशन पॉइंट से मल्टीपल यूजर्स तक। और ये है LOS। LOS का मतलब हुआ लॉस ऑफ सिग्नल। जब सारी चीज़ें प्रॉपरली फंक्शन हो रही होती हैं राउटर में तब ये लाइट ऑफ रहेगी, और जब भी आपके राउटर में LOS लाइट ब्लिंक कर रही होगी रेड लाइट में, तब राउटर में ज़रूर कोई दिक्कत है या फिर फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन में दिक्कत है। और ये है WAN, इसका मतलब हुआ वाइड एरिया नेटवर्क। तो सो दिस इज़ अ नेटवर्क दैट एग्जिस्ट ओवर अ लार्ज स्केल जियोग्राफिकल एरिया। राउटर का जो मॉडेम होता है ये भेजता है और रिसीव करता है इंफॉर्मेशन इंटरनेट से थ्रू इट्स WAN पोर्ट। और ये है LAN 1 और LAN 2 लाइट, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप LAN कनेक्शन यूज़ करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन यूज़ करते हैं जो LAN वायर के साथ होता है, तब ये लाइट ऑन हो जाएगी। अगर एक ही जगह दो LAN वायर यूज़ करते हैं आप तो दोनों लाइट ऑन हो जाएंगी। अगर इस राउटर में स्पीड 2.4 GHz तक होगी तो ये 2.4 GHz वाली लाइट ऑन रहेगी, अगर स्पीड 5G है तो 5G की लाइट ऑन रहेगी। और नेक्स्ट है फ़ोन, अगर आप इसमें फ़ोन कनेक्ट करवाते हैं लैंडलाइन तब ये लाइट ऑन रहेगी। 1 साल की वारंटी मिल जाएगी इसमें, और इसमें 4 एंटेनास मिल जाएंगे जो कि काफ़ी अच्छी बात है इसमें। और इसका प्राइस है 2900 रुपये, और ये आप कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा किस शॉप से आप परचेज़ कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी ऐड कर दूंगा मैं। तो आप अगर ये परचेज़ करना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक आप देख लें, तो आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और शॉप का एड्रेस मिल जाएगा। तो अब हम ओपन कर लेते हैं सेकेंड राउटर, और ये है टेंडा का AC1200 MU MIMO डुअल बैंड गीगाबिट वाईफाई राउटर। और इसमें थोड़े फीचर्स देख लेते हैं इसके। ये गेमिंग 4K स्ट्रीमिंग के लिए है, 4K अल्ट्रा HD परफेक्ट मैच विद ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एंड गेमिंग, सुपर फास्ट वाईफाई स्पीड एंड एक्स्ट्रा कवरेज, स्मार्ट लाइफ विद टेंडा ऐप। और ये हैं इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस का। वायरलेस रेट देख लेंगे हम, 300 Mbps प्लस 867 Mbps डुअल बैंड राउटर है, और यहाँ पे आप वायरलेस कवरेज देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है इसका बाकियों से, मतलब ये अच्छा दिख रहा है इसका। मल्टी डिवाइस सपोर्ट है इसका, 30 USB इसमें नहीं है, इंटरनेट एक्सेलरेट है इसमें, लार्ज फाइल डाउनलोड स्पीड वो भी है इसमें, वीडियो अल्ट्रा HD होगा, और ऑनलाइन गेमिंग सुपर फास्ट है इसमें। तो बाकी इसके कुछ फीचर्स हैं, 5G सपोर्ट करता है, 1167 Mbps कॉन्करेंट है इसका GHz, वाईफाई टर्न ऑन ऑफ का ऑप्शन है, इजी सेटअप है ये, सपोर्ट IPv6 है इसमें, टेंडा क्लाउड मिल जाएगा इसमें आपको, और गीगाबिट पोर्ट्स भी हैं, वायरलेस रिपीटिंग भी हो जाएगा आपके पास। एक ओपन पीस पड़ा हुआ है, मैं वो आपको दिखा देता हूँ राउटर का। तो इस तरीके का दिखेगा ये आपको राउटर, देखने में काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल गेमिंग पर्पज़ के लिए लगता है देखने में, काफ़ी रोबोटिक सा बना हुआ है ये, शार्प फीचर्स देखने में ही लग रहे हैं इसके।
चार एंटेना इसमें मिल जाएंगे, तो इसकी कवरेज काफ़ी अच्छी होगी। यहाँ पे इसकी ब्रांडिंग हो रखी है टेंडा, और इसके हम कुछ पोर्ट्स वगैरह देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। ये पावर अडैप्टर के लिए, यहाँ से पावर अडैप्टर आप लगा सकते हैं इसको ऑन करने के लिए। और ये चार लैन पोर्ट्स हैं, ईथरनेट केबल लगा सकते हैं आप, ये वाईफाई ऑन ऑफ करने के लिए, और ये WPS के लिए है, रीसेट या WPS के लिए। तो ये है सिस LED। सिस का मतलब हुआ सिस्टम स्टेटस। तो सिस्टम स्टेटस LED इंडिकेट करता है राउटर के सिस्टम या फिर उसके ऑपरेटिंग स्टेटस के। और ये है WAN, इसका मतलब हुआ वाइड एरिया नेटवर्क। सो दिस इज़ अ नेटवर्क दैट एग्जिस्ट ओवर अ लार्ज स्केल ज्योग्राफिकल एरिया। राउटर का जो मॉडेम होता है ये भेजता है और रिसीव करता है इंफॉर्मेशन इंटरनेट से थ्रू इट्स WAN पोर्ट। और ये है LAN एरिया नेटवर्क। अगर आप इसमें एक LAN वायर कनेक्ट करते हैं, ईथरनेट केबल कनेक्ट करते हैं, तो ये लाइट LED लाइट ऑन हो जाएगी। उसके बाद है वाईफाई। अगर आप ये वाईफाई इसमें सही चल रहा है तो फिर लाइट हमेशा ऑन रहेगी, अगर ऑफ है तो मतलब वाईफाई का कनेक्शन सही नहीं है। यहाँ पे इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है AC10। और अगर हम प्राइस के बारे में बात करें तो यहाँ पे इसका प्राइस मेंशन है 4,900 रुपये, लेकिन यहाँ से आप परचेज़ करते हैं तो आपको 2,185 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छे प्राइस में आपको मिल जाएगा ये। तो ये था ओवरऑल रिव्यू दोनों वाईफाई राउटर्स का, एक तो ये टेंडा का AC10 मॉडल नंबर, और ये है दूसरा है साइरोटेक का। ये सिर्फ और सिर्फ फाइबर के लिए है, वहाँ पे लिखा है लेट्स फाइबर। तो अगर आप न्यू दिल्ली में रहते हैं तो आप इस शॉप पे जाके ये सारी चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं, वाईफाई राउटर्स और भी अलग कंप्यूटर एसेसरीज जो होती हैं वो आप परचेज़ कर सकते हैं यहाँ से। तो इसका एड्रेस आप देख लीजिए, है G43 विशाल टावर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, जनकपुरी, न्यू दिल्ली। इस शॉप का फ़ोन नंबर स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, और शॉप का नेम है श्री चंद कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस शॉप का फ़ोन नंबर, एड्रेस, शॉप नेम मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दें, और साथ ही साथ फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकॉन हिट कर दें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उनके आंसर कर दूंगा। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।